इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सटे गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है। एहतियातन प्रशासन ने यह पाबंदी लगाई है। देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग राज्यों में अब एहतियातन कदम भी उठाए जाने लगे। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी, मनाही होगी। लेकिन 5 राज्यों में इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, सबसे ताजा तस्वीरें इस वक्त टाइम्स नाम नव भारत आपको दिखा रहा है। सबसे पहले बिहार की तस्वीरें देखिए, जो सुबह से आप तस्वीरें देखते आ रहे हैं ठीक वैसी तस्वीरें जहां पर ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो उपद्रवी थे, जो ऐसे तत्व थे जो लगातार प्रदर्शन को हिंसक बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। हरियाणा की बात करें तो कुछ लोग सड़कों पर जरूर नजर आए, लेकिन वहां पर भी पुलिस ने तमाम स्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश की। ट्रेन रोकने की कोशिश राजस्थान में भी हुई और ट्रेन जलाया गया तेलंगाना में भी, जैसी तस्वीरें बिहार में सामने आ रही हैं। बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। राजधानी दिल्ली में अग्निपथ योजना के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। हमारे सहयोगी पुलकित नागर की यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं दिल्ली के आईटीओ पे मौजूद हूँ और दिल्ली के आईटीओ पर भी अगर आप देखेंगे तो संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति, इसका प्रोटेस्ट दिल्ली के आईटीओ पर चल रहा है। और तस्वीरें देख लीजिए, अग्निपथ की जो आग है वो दिल्ली तक पहुंच गई है, दिल्ली के आईटीओ तक पहुंच गई है। और कुछ छात्रों को अभी यहां से हिरासत में लिया गया है, यहां से हटाया गया है। ये तस्वीरें आप दिल्ली के आईटीओ की देख रहे हैं और अग्निपथ योजना का विरोध, ये देखिए जो बैनर ये छात्र लेकर आए उनकी भी तस्वीरें देख लीजिए। अग्निपथ योजना के विरोध में इस तरीके के बैनर लेकर यहाँ छात्र पहुँचे थे, जिन्हें अभी दिल्ली पुलिस ने यहाँ से हटाया है। और ये तस्वीरें आप आईटीओ के मेट्रो स्टेशन पर देख रहे हैं, जहाँ पर पुलिस ने रोक दिया, लोगों को बाहर